दोस्तों फाइनली आईपीएल फैंस के लिए आईपीएल 2020 के स्टार्टिंग डेट को लेकर बहुत ही बड़ा गुड न्यूज निकल के आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर कोरोना वायरस के चलते आईपीएल 2020 को पोस्टपोन करना पड़ा था, बीसीसीआई लगातार कोशिश किए जा रहे थे किसी भी कीमत पर इसको इस साल होस्ट करने के लिए। ऐसे में दोस्तों बीसीसीआई बहुत दिन पहले ही बता चुके थे कि अगर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इस साल कैंसिल हो जाता है तो सितंबर से लेकर नवंबर का विंडो हम लोग आईपीएल 2020 के लिए देख रहे हैं। पर फाइनली आपको बता दूं, बीसीसीआई आईपीएल 2020 के स्टार्टिंग डेट को लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान कर चुके है। तो मैं इस वीडियो में आपको उसी के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ, कब आईपीएल अभी शुरू होने वाला है, कहाँ इस साल आईपीएल खेला जाएगा, क्या क्या चेंजेस हम लोगों को देखने को मिल सकता है, सब कुछ डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूँ। तो दिल खुश कर देने वाली वीडियो है, अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप आईपीएल और क्रिकेट से जुड़े हुए वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, आईपीएल 2020 के स्टार्टिंग डेट आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ऊपर पूरा निर्भर कर रहा है। और कुछ ही दिन पहले बीसीसीआई चेयरमैन ब्रिजेश पटेल जी ने बता चुके हैं कि जब तक आईसीसी द्वारा फाइनल डिसीजन नहीं मिलता है आईपीएल 2020 के बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं। लेकिन फाइनली आपको बता दूं, T20 वर्ल्ड कप 99% इस साल कैंसिल हो चुका है क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बता चुके हैं कि कोरोना वायरस के चलते इस साल ऐसा बड़ा टूर्नामेंट होस्ट करना उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों थोड़ी देर पहले ही मुंबई मिरर्स न्यूज़पेपर के मुताबिक बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 के एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग डेट दे चुके हैं और 26 सितंबर से आईपीएल 2020 शुरू होते दिखाई दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 26 सितंबर से लेकर 8 नवंबर तक आईपीएल 2020 के विंडो बीसीसीआई से सुनने को मिल चुका है, तो काफी बड़ा गुड न्यूज है। और सितंबर के अंत तक हमें आईपीएल 2020 शुरू होते दिखाई देने वाले हैं और ये पूरा निर्भर करने वाला है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के कैंसिलेशन के ऊपर, जो लगभग ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने इस साल कैंसिल कर चुके हैं। अब दोस्तों वेन्यू के बारे में अगर बात करें तो बहुत ही बड़ा ट्विस्ट इसमें है क्योंकि दोस्तों बहुत दिनों से सुनने को मिल रहा है कि इंडिया ही फास्ट चॉइस रहने वाला है। अगर सिचुएशन काफी खराब होता है तो ही बाहर के देशों में इस साल शिफ्ट किया जाएगा। तो दोस्तों भारत में ही 3 वेन्यू के बारे में बीसीसीआई सोच रही है, जो कि है चेन्नई, बेंगलोर और मुंबई। जी हाँ दोस्तों, काफी चौंका देने वाली बात है क्योंकि भारत में कोरोना वायरस के केसेस 3.5 लाख के करीब हो चुका है। ऐसे में क्या सरकार आईपीएल 2020 के लिए परमिशन देगा? पर आपको बता दूं, शुरुआती मैचेस चेन्नई और बेंगलोर में खेला जाएगा और बाकी आधा आईपीएल के मैचेस मुंबई में खेला जाएगा, ऐसा सुनने को मिला है। दोस्तों आपको बता दूं, बेंगलोर और चेन्नई में TNPL और KPL के वेन्यूज पर आईपीएल 2020 के लिए बीसीसीआई सोच रही है, पर इसके बारे में अभी तक फ्रेंचाइजियों के साथ कोई भी बातचीत नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये तो 99% कॉन्फर्म समझ लीजिए, 25 सितंबर हो या 26 सितंबर, आईपीएल 2020 सितंबर के आखिर में शुरू होने वाला है। और अभी तक न्यूज़ के मुताबिक जैसा हर साल आईपीएल होता है वैसा ही होने वाला है, यानी कि 60 मैचेस ही देखने को मिलने वाला है। पर दोस्तों काफ़ी कम टाइम है, 60 मैचेस 36 दिन में करवाना होगा, तो शायद हर दिन 2 मैचेस देखने को मिलने वाला है, यानी कि दोस्तों डबल हेडर मैचेस काफ़ी बढ़ने वाला है। और दोस्तों अगर हर दिन 2-2 मैचेस खेला जाएगा तो टाइमिंग में भी इस साल बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है क्योंकि शुरू के मैचेस जो 4 बजे जैसे देखने को मिलता था अब वो और भी आगे शुरू हो सकता है। तो दोस्तों ये था बहुत ही बड़ा गुड न्यूज आईपीएल 2020 के स्टार्टिंग डेट को लेकर। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना आप ये न्यूज जानकर कितना खुश हुए। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।